उत्तर प्रदेश विधानसभा के भीतर सोमवार को उभरी एक तस्वीर ने सभी को चौंका दिया। जहां जब प्रतापगढ़ की भदरी रियासत के युवराज रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का सामना सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हुआ, तो यहां आदर सम्मान की परंपरा देखी गई। सदन के अंदर राजा भैया ने मुख्यमंत्री योगी के पांव छुए, ये नजारा देखकर वहां हर कोई चौंक गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जैसे ही विधानसभा के अंदर आए, तभी वहां मौजूद विधायक उनके पैर छूने के लिए कतार में खड़े हो गए। यहां हर कोई सीएम योगी के चरण स्पर्श कर रहा था, तभी विधानसभा में मौजूद रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने भी आगे बढ़कर सीएम योगी के चरण स्पर्श किए, जिसके बाद का वीडियो अब वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा गया कि राजा भैया ने जब पैर छुए तो मुख्यमंत्री योगी ने भी हाथ जोड़कर उनका सत्कार स्वीकार किया। खैर, ये पहला मौका नहीं था जब मुख्यमंत्री योगी के पांव राजा भैया ने छुए। उसके पहले 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समय भी राजा भैया ने योगी आदित्यनाथ के पैर छुए थे। राजा भैया को प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण गया था, जिसे स्वीकार करते हुए वह उस समारोह में आए थे। यहां राम मंदिर की सीढ़ियों पर ही बाहुबली विधायक राजा भैया का सामना सीएम योगी आदित्यनाथ से हुआ था। जब राजा भैया ने पैर छुए थे तो सीएम योगी ने भी उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद दिया था और हाथ जोड़कर उनका अभिवादन स्वीकार किया था।